छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से महावीर टोला स्थित टैली एकेडमी में कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन का उद्देश्य बच्चों को बेहतर से बेहतर कंप्यूटर की शिक्षा देना है। क्या करना है? टैली एकेडमी एक ऐसा शिक्षण संस्थान जो काफ़ी लंबे अरसे से चला रहा है और आज छात्र छात्राओं के लिए एक विशेष सुविधा दिया, एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ा कंप्यूटर लैब। क्या कहेंगे? हमारा तो कहना यही कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके भविष्य को और अधिक उजागर करने के लिए इस आईटी सेक्टर का मैंने निर्माण किया है और हमें यही आशा है कि हमें बच्चे पढ़ें और खूब आगे बढ़ें और उनके लिए और अधिक से अधिक हम करने की चेष्टा करेंगे सुविधा। और क्या क्या सुविधाएं दिया जाएगा? ये जो बड़ा सा लैब हुआ है, यहाँ पर काफ़ी छात्र छात्राएं दिखाई दे रहे हैं तरह तरह के कंप्यूटर पर कार्य करते हुए, तो किस तरीके से उनके डाउट को क्लियर किया जाएगा? हमारे यहाँ करीबन 60-70 भी लैब हैं और ये स्टूडेंट एप्रोक्स करीबन 600 हैं। हमारे यहाँ पे करीबन फैकल्टी 8 हैं और हमारी आशा यही है कि हमारे स्टूडेंट को कोई भी डाउट क्लासेस हो तो उनको यहाँ वहाँ भागने की जरूरत ना पड़े, हमारे फैकल्टी उनके सामने हमेशा खड़े रहें। जो उन्हें डाउट हो, एक्स्ट्रा क्लासेस हो, हिंदी में पढ़नी हिंदी में पढ़ें, नोट्स चाहिए नोट्स मिलेगा, हर चीज़ अवेलेबल हमारी व्यवस्था है यहाँ पे। आपके यहाँ के छात्र कहाँ कहाँ अभी तक? चूँकि हम लोग यह कह नहीं सकते, लेकिन हमारे यहाँ पे जो 20 साल से हमारी ये संस्था है, आज ये नन्नागंज मॉल में, हर जगह दिल्ली उल्ली हरियाणा में बहुत जगह हमारे स्टूडेंट जॉब करते हैं। हमें खुशी होती है कि हम लोग अच्छा पढ़ाते हैं और वो जॉब करें। एक सबसे बड़ी बात आती है सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा के मायने अगर ये बात की जाए तो डिसिप्लिन बहुत अच्छी है हमारे यहाँ, हर तरह से चारों तरफ हमारे फैकल्टी मौजूद है, कैमरा मौजूद है, जो ऐसा कि आप लोग को आ रहा है नज़रिए, हम लोग यही से सब चीज़ की मॉनिटरिंग करते रहते हैं। कोई भी स्टूडेंट को कोई भी फॉल्ट होता है यही से हम लोग डायरेक्ट उससे डील कर लेते हैं। क्या कहेंगे ये लैब बच्चों को जो दिया गया है उसके लिए? हम तो यही आशा करेंगे कि यहाँ पर लोग आएँ और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें। जो दूसरे जगह के छात्र होते हैं उनको क्या संदेश देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो जहाँ पढ़ाई करें वहाँ भी पढ़ें और एक बार यहाँ भी आकर पढ़ के देखें क्या अंतर है। पर्चे बताइए अपना। अजय कुमार उपाध्याय।